Mariam and Don't la need her kai preparation ready za bhai. Chicken is ready. हमारे बोरो ट्राइब में ट्रेडिशनल आइटम्स में ज्यादा मसाले वसाले हम यूज नहीं करते. लास्ट इंग्रेडिएंट्स करी पत्ता. टेस्ट अल्लाह सा खाने का. कागज तो कितना लोग क्या कैसे होना फटे सर. तो बोले कम मसाले में अच्छा खाना. मोमेंट ऑफ द ट्रूथ. मम्मा Also welcome back to the another vlog. Mabari hai dongo boy ba asa kala ma boy ba mazang endongo and ang ba pirak mazang endongo. So tonight madi ma now suddenly lunch ni planning decides adang and that too like without any occasion. Zangarin baba somon ba bi bite na sudden zo zanai ni planning kala ma. And guess what tonight ang ni the favorite my biggest love onlang kri dongo. Yay! और क्या चाहिए जिंदगी में. एंड गेस व्हाट आंगर्स होंगन जी नहीं उन लाखों कम्प्लीटली. एंड लगे से साइड आइटम्स भी मिला दोगो. बियर नहीं बे स्टोव नहीं दूसरा साइड प्रिपेयर जा भाई ठगन उन लाया थो लाइक बॉय भी मिन सिखाइए रेसिपीज कैसे बनता है हमारा यू नो ट्रेडिशनल फूड है ठो बब आंग मा भाई चीज होंगन बेको हाई नाइ लांग वन बाय वन इंग्रेडिएंट्स खंठा लांगन आंग. और मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स है जो बाहर से है आप लोग भी अच्छे से सब इंग्रेडिएंट्स देख लेना. ये हमारा ट्रेडिशनल फूड है और सिर्फ लेकिन बोडोलैंड में ही मिलेगा क्योंकि इस करी को बनाने के पीछे बाबा बहुत सारी मेहनत होती है. सिर्फ गैस पे कढ़ाई चढ़ाने से नहीं होता. देर आर लाइक मेनी प्री इंग्रेडिएंट्स जो हम करी बनाने से पहले ही प्रिपेयर करके रखते हैं. जैसे चावल को भिगो के रखना होता है फिर मिक्सी ग्राइंडर में पीस के रेडी रखना. एंड सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट्स है जिसको हम बोडो में खारी बोलते हैं उसको बनाने का मेहनत तो लाइक अल्ट्रा प्रो मैक्स है. मैं यहाँ पे बताने जाऊंगी तो वीडियो छोटा पड़ जाएगा बहुत ज्यादा. बस इतना समझ लो कि ये हमारे असम स्टेट का एक स्पेशल लिक्विड है जिसको असमिस में खार भी बोलते हैं. एंड ये बनाना ट्री से बनता है और बहुत ही ज्यादा प्रोसीजर लाइक लंबा होता है इस लिक्विड को प्रिपेयर करने का. कभी बताना हुआ तो जरूर बताऊंगी. बस इतना समझ लो कि इस लिक्विड को हम खारी बोलते हैं इसलिए इस करी का नाम ओनला खारी बताया जाता है. इसी वजह से अगर मैं कोशिश करूँ भी फिर भी इस करी को बैंगलोर में नहीं बना सकती क्योंकि अगर बाकी सब आइटम्स अगर हो भी मेरे पास फिर भी वो लिक्विड का होना इज लाइक 100% मैंडेटरी और ये सिर्फ हमारे असम में बनाया जाता है और कहीं नहीं. तो अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि ये करी हमारे लिए कितना स्पेशल है. तभी ये करी सिर्फ नॉर्मल करी नहीं है ये हमारे बोडो ट्रेडिशन की ट्रेडिशनल करी है जिसके साथ हमारा इमोशंस जुड़ा हुआ है. तो चलो आज का हमारा ओनला मेकिंग व्लॉग शुरू करते हैं. साइड में दूसरे स्टोव में दूसरे आइटम्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे जो कि मेरी मासी बनाएंगी क्योंकि वो आना जाना कर रही है इसलिए मैं बीच बीच में करछी चलाती जाऊंगी. तो इसलिए आपको उस दूसरे स्टोव में फोकस नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ ओनला में फोकस करना है. ओके सो दासी मो वांगो ओनला नी था का एट फर्स्ट जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को हाय ऑलरेडी रेडी खालमना दम खबाए. एंड मैं चिकन को भी पीसेस में कट कर चुकी हूँ. एंड आज हमारे फूड आइटम्स में दो चिकन आइटम्स होंगी. एक तो हो गया चिकन ओनला करी और दूसरा होगा यू नो चिकन से ही दूसरी करी होगी जो नॉर्मल फ्राई करी मान लो आप. सो अभी काटे हुए अनियंस चिलीज एंड सिनेमन लीव के साथ चिकन पीसेस को भी अच्छे से इसके अंदर डालते जाएंगे. चिकन को अच्छे से डालने के बाद थोड़ा फ्राई कर लेंगे. जो गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट हमने रेडी किया था पहले उसको भी चिकन के साथ ही ऐड करके थोड़ा सा फ्राई करना है. थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब इसके अंदर जाएगा स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा हल्दी पाउडर. एंड लगातार करछी हिला के फ्राई करते जाना है. मेक श्योर अच्छे से फ्राई होना चाहिए सब.
जब तक स्टोव में मेरा चिकन पक रहा है तब तक मैं हमारे दूसरे चिकन आइटम के लिए चिकन को पीसेस में कट कर रही हूँ। ये पीसेस जाएंगे हमारे चिकन फ्राई करी के लिए जो मेरी मासी बनाने वाली है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा बीच में फ्री टाइम मिला है इसलिए मैं मासी को थोड़ा सा हेल्प कर रही हूँ। Now let's move to the very very important step. De gorom kohai onlani takai already ready run khabai mananga. Be kohai mazange lunane mix khalamgan. Bas den ho gaya. Beni ono last manre step lo baki thabukun. Birat gus rongzai yang na onlanu batai. Chahe wo banane ke liye ho ya khane ke liye. It's my all time big love. Uske baad onla ko acche se ubalne dena hai. Tab tak mummy ne mujhe ek aur kaam de diya. Tomatoes cut karne ka. Kya batao main? Sun lo mera sad story. Beech mein free time milne पर भी फ्री नहीं हुई मैं। कुछ ना कुछ मम्मी लोग मतलब हाथ में काम के लिए दे ही देते थे मतलब। एंड ये टमेटोज भी वैसे चिकन करी के लिए कट हो रहा है ओनला के लिए नहीं। एंड देयर वी गो, हमारा ओनला उबलना शुरू हो गया है और अब टाइम है इसमें हमें भिगोए हुए चावल जिसको हमने मिक्सी ग्राइंडर में मिक्स किया था उसको अच्छे से घोल के डालने का। मेक श्योर डालने से पहले हमें स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है एंड देन फिर उसको डालना है। अच्छे से पोर करने के साथ साथ हमें अच्छे से लगातार कड़ची को ही साथ में हिलाते जाना है ताकि वो अच्छे से मिक्स होता रहे एंड अच्छे से ऐड होता रहे। एंड ये राइस मिक्स क्योंकि बहुत ही ज्यादा थिक होता है इसलिए ओनला का थिकनेस होने का राज ये मिक्सचर ही होता है। अब जाएगा इसके अंदर द लास्ट थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, खारी लिक्विड को डालने का। जी हाँ, ये वही लिक्विड है जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। एंड ये हमारी असम स्टेट की स्पेशलिटी है। हमारे असम स्टेट के बहुत सारे ट्राइब्स इसको अपने खाने में यूज करते हैं एंड अभी देखना कैसे कलर ही चेंज हो जाएगा एंड द टेस्ट, ओ माय गॉड, अ कंप्लीट mouth watering. मेरा ओनला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड यहाँ पे दूसरे स्टोव में मेरी मासी का चिकन करी बनना भी शुरू हो गया है। आज तो भाई बहुत आइटम्स है हमारे पास, खाने में फैमिली के साथ मजा ही आ जाएगा। और अभी देखना मासी फिर से भाग गई और मैं इसमें भी कड़ची चला रही हूँ। चलो अच्छा ही ये लगे हाथ, मेरा दूसरा आइटम्स पकाने का भी प्रैक्टिस हो रहा है। जब तक मेरा ओनला पक रहा है तब तक मैं इस चिकन करी को भी साथ में बना रही हूँ। मसाले ओनली जीरा मसाला एंड कोरिएंडर पाउडर बांग्राय नुआ जो माने मसाला जाखाया। इसको बोलते कम मसाले में अच्छा खाना। वैसे भी हमारे बोरो ट्राइबल फूड्स में मतलब यू नो ट्रेडिशनल आइटम्स में ज्यादा मसाले वसाले हम यूज नहीं करते। सो यस, द लास्ट इंग्रेडिएंट्स करी पत्ता। बहुत यम्मी टेस्ट है ना, अंदाजा खाई भी जाऊं। और उसके बाद हमारा बोरो ट्रेडिशनल करी, माय फेवरेट ओनला करी विल बी रेडी। ये सारे लोग इतना लोग या कैसे होना पड़ेगा सर।
जिंगानो पाई जानवा सब आई रेडी ओन लाया एंड अभी है टाइम टेस्टिंग का एंड उसके लिए मैं मेरी मम्मी को थोड़ा सा चखनी दे रही हूँ मोमेंट ऑफ द ट्रूथ मोमेंट ऑफ द ट्रूथ जी मानो लांग से मामा ये कुछ आले सर ने जैसे मैं बिजार हूँ टेस्ट करो अच्छा हुआ मजा आ रहा है ना ये थोड़ा सा और खाओ tasty chona padang taste khalam nine chai ma beti hai zadang maine banaya to mujhe to taste karna padta hai right yummy yummy be kondol lu gena phaidu banang ma bangalore ni pray be kondol lu gena bahut yummy तो सब आए रेडी मजा आ गया उनला हो गया रेडी जरूर बताना कैसी लगी ये वीडियो एंड सिर्बा फर सुटी रेसिपी को ट्राई खालम लगे सिर्बा देन डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन इन द फ्यूचर कि कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको ऑल्सो दिस इज माय वेरी फर्स्ट कुकिंग ब्लॉग लास्ट ब्लॉगों को चिकन छोंगना नहीं दिखाई दी बनाऊंग बट यू नो प्रिसाइसली रेसिपीज को मैंशन खालम अखेमन सो प्लीज कमेंट खालम हॉर दैट इफ आई शुड मेक अ वीडियोज लाइक दिस और नॉट लाइक अ कंप्लीट मैंने कुकिंग वीडियो आ रहा ना डिने बड़ी ओके आइटम्स और डिने सिंह हाट डोंगो ओन लांग्रई चिकन curry kerala bhaja and fish fry all very oh, yeah! very tasty items sir zane look it up bhai de mari mano dana and here please don't judge manana ang kham ko hai spoon jang zaya specially on layout ho like ekdam nunga but unfortunately sanne sigango se ang ni nails ko hai manicure khalam nai zading man and nail paint ko ba like transparent ko se laphang bai pini thakai ang creamy color nang gan khai you know spoon jang se zanang bai nunga bang only bahirolo use khalam no ang akhai jing ne zakhai I'm a very down to earth person and yes if ang need nei ni gan nai blouse ko nthamana phosaiding ba let me tell you all this is from my brand body care city blouse so here I'm enjoying my food and I hope you have enjoyed watching this video so thank you so much for watching this vlog and if you have enjoyed it please like comment share and also subscribe to my youtube channel also don't forget to follow me on instagram and on my facebook page keep spreading lots of love and positivity and I'll see you in my next vlog bye 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 I love you all my lovelies bye bye